बेशक भारत में कोरोना महामारी की सेकंड वेव और इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के कारण हमारा ध्यान भटक गया हो, लेकिन भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में हालात आज भी काफी गंभीर बने हुए हैं। रोज सैन्य शासन के खिलाफ वहाँ पर हजारों लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कईयों ने तो वहाँ पर हथियार भी उठा लिए हैं। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो पड़ोसी देश थाईलैंड और भारत में शरण लेकर रेफ्यूजी की जिंदगी काटने पर मजबूर हैं। अभी तक ये देखा जा रहा था कि म्यांमार के एक्टिविस्ट जो सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे वही आरोप लगा रहे थे कि चाइना म्यांमार सेना की मदद कर रहा है, इसीलिए म्यांमार में चाइनीज एम्बेसी का घेराव किया जा रहा था, चाइनीज कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा था, चाइना के खिलाफ बैनर्स और नारेबाजी के जरिए सख्त प्रदर्शन किए जा रहे थे, जबकि म्यांमार की आम जनता भारत से मदद की गुहार लगा रही थी और ये कह रही थी कि क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए भारत को म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने के लिए म्यांमार के आम लोगों की मदद करनी चाहिए और म्यांमार की सेना पर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। मगर अब म्यांमार के एक एक्टिविस्ट ग्रुप जस्टिस फॉर म्यांमार ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया कि भारतीय सरकार म्यांमार सेना को सैन्य तख्ता पलट के बाद कई हथियार सप्लाई कर चुकी है। इस न्यूज को इंडियन मीडिया हाउसेज ने तो कवर नहीं किया था, लेकिन म्यांमार के कई रेप्यूटेड मीडिया हाउसेज ने ये खबर बहुत ही जोरों शोरों से कवर की। स्क्रीन पर आप इस समय म्यांमार नाउ का 14 जून का एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि भारत की हथियार निर्माता कंपनी म्यांमार मिलिट्री को किस तरह धड़ल्ले से हथियार बेच रही है। म्यांमार से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी जिसमें सबसे बड़ा शेयर भारतीय सरकार का है, इसने पिछले कुछ समय के अंदर अंदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और रडार्स की अब तक 7 शिपमेंट्स म्यांमार की सेना को सप्लाई भी कर दी है। जस्टिस फॉर म्यांमार एक्टिविस्ट ग्रुप के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक भारतीय सरकार अपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की डील से म्यांमार सेना को वैधता प्रदान कर रही है, जिससे म्यांमार सेना का आम लोगों के खिलाफ आतंकवादी अभियान और भी ज्यादा सक्षम होगा। यानी भारत के इस कदम के कारण म्यांमार सेना आम लोगों पर और भी ज्यादा कार्रवाई करेगी। जस्टिस फॉर म्यांमार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा म्यांमार सेना को जो सामान सप्लाई किया जा रहा है उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, रडार वीडियो एक्सट्रैक्टर रिसीवर्स, VHF कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ग्राफिक प्रोसेसर्स, वर्क स्टेशन हार्डवेयर, सर्वर स्टोरेज और बैटरी शामिल हैं। JFM के मुताबिक ये सारी शिपमेंट म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद फरवरी 27 और मार्च 29 के बीच में हुई हैं। जस्टिस फॉर म्यांमार ने भारतीय कंपनी द्वारा म्यांमार सेना को सक्षम यानी मजबूत बनाने पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि म्यांमार सेना क्रिमिनल है जो म्यांमार में आतंकवाद फैला रही है, ऐसे में भारत को म्यांमार सेना को कोई भी हथियार सप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे एक कदम आगे बढ़कर जस्टिस फॉर म्यांमार के स्पोक्स पर्सन ने यह तक बोला कि दुनिया के बाकी देशों की सरकारें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयर होल्डर्स इन सभी को आगे आकर भारत के हथियार निर्माता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को म्यांमार सेना को हथियार बेचने से रोकना चाहिए। वैसे देखा जाए तो जो इक्विपमेंट भारत ने म्यांमार सेना को सप्लाई किए हैं वो बस कोस्टल सर्विलांस सिस्टम से संबंधित है, जिनका म्यांमार के आम जनता पर सैन्य कार्रवाई में किसी भी तरह इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे में ये आरोप लगाना कि इस डील से म्यांमार सेना की आम जनता पर कार्रवाई को बल मिलेगा ये सरासर गलत है। खैर, बाकी आपका क्या सोचना है कि क्या आज के हालातों में भारत को म्यांमार की सेना को कोई हथियार बेचना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।